अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम टू न्यू व्लॉग लाइफ विद आलिन हाशिम। तो गाइस, सबसे पहले सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। हम दोनों की तरफ से सोचा हम इकट्ठी व्लॉग स्टार्ट करेंगे, इकट्ठी सबको चांद रात बोलेंगे। अगले भी व्लॉग ऐसे हमारे तीन दिन के इकट्ठे आएंगे और तो आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी मैं आज जॉब से फ्री होकर 11:30 बजे मैं आ गया हाशिम के पास। जी भाई, बाहर क्या इधर ही करेंगे भाई? कहते बाहर 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 क्यों बाहर? हम इधर ही अपने ब्लॉग का स्टार्ट करेंगे और इधर ही हम इधर ही तीन दिन आपको हम इधर ही दिखाएंगे। एक एक चीज का रेट आपको याद करवा देना, हमने तीन दिन आपके साथ देखने में रख के। तो गाइस, मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही किस वजह से। तीन दिन बाद फिर जो काम पे जाना है दोबारा जाके वही रूटीन। सिर्फ तीन दिन की छुट्टी हुई है? हाँ, सिर्फ कल की परसों की और जो तीन दिन होते हैं बस, वो उसके बाद नहीं। अगर क्लोजिंग हो गई होती फिर 4 से 5 छुट्टी होनी थी, क्लोजिंग हमारी नहीं हुई मुकम्मल। तो गाइस, फिर आपको मिलवाते अभी भाई से और सानी से, और उनके पास रश है। तो हाँ हाँ, ओके ओके ओके, फिर मुझे भी बताना जो काम मेरे लिए हो वो मैं कर लूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। चांद ग्रहण, तुम्हें भी चांद रात मुबारक। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? चांद रात मुबारक हो भाई। देख ले, मैं आ गया, मैंने बोला कि अब जो मेरे लायक है काम बताएं। सफाई के अलावा कौन से हैं? मैं छोड़ा था वो वाले। ओके यार, फिर मैं ये वाले छोड़ रहा हूँ। क्या हाल है? हाँ, मैं भी ठीक। अच्छा, अब ये मैंने छोड़ के आने वजनी तो नहीं ज्यादा? तो भाई यार, हो चुके हैं 12:30 का टाइम। अभी बस रश चेक करें यहाँ पे सांस लेने का टाइम। मेरा वीकली 50 GB वाला पैकेज कर दो। वीकली? हाँ वीकली। जैज है? जैज। तो यार अभी मैं और हाशिम जा रहे हैं। यार मेरा प्लान था थोड़ा एक छोटा सा, तो मैंने बताया मैंने क्या करना, हम क्या लेने जा रहे हैं। क्यों तुम्हें सब उठा के चल पड़े हो? हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। यार मैंने लेनी है मामा के लिए गजरे लूंगा मैं। फिर गजरे तो वहाँ से मिल जाने, वहाँ पे बनवा लेते हम लोग आपके बेटी के सामने। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो गजरे और चॉकलेट भी मैंने लेनी है, वो मैं आपकी बेटी से ले लूंगा। और आपकी मजीन के लिए चूड़े लेने, फातिमा के लिए भी लेना था, लेकिन फातिमा जो है अपनी मामा के साथ भी लोहर फेरी है बात, और अपनी मामा के साथ लोहर इंजॉय कर लिया। मुझे आप ही नहीं बताया, मैंने सोचा मैंने फोन करके पूछा ना कि घर कौन कौन है, तो मैं ले आऊँ चीज़ें, मैंने कुछ लेके आनी है। वीकली वीकली वीकली। तो अभी हम लोग एंटर होने लगे बाजार में वाला। और अभी हम लोग आ चुके हैं बाजार में, लिटरली पाँव रखने की यहाँ पे जगह नहीं है। ओ माय गॉड, जाना है आगे, चलते हैं। तो हाशिम लेना क्या क्या है? चूड़ियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, और गजरे जी, आदिल जी। थैंक यू। लोग बाजार से निकल के इस साइड पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ जाहल जो कहते थे वो तो कुछ काट ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों को भी टिकट देते हैं। तो अभी हम लोग फिर और भी रेंटर हो गए बाजार में। बस महंगी है खाली, महंगी तो नहीं। यार एक तो हमें पता भी नहीं है, हम लोग पहली दफा मैं ऐसी चीज़ें ले रहा हूँ यार। बस देखो आप मुझे बता दो लेना क्या क्या। लेना क्या क्या? चूड़ियाँ और मेहंदी। आप मैंने के लिए चूड़ियाँ लेनी है, और सिर्फ मेहंदी लेनी है, एक ही मेहंदी लेनी है बस, ठीक है। और मामा के लिए फ्रेश गजरे बनवाने, एक स्टॉल में लगाया हमने। कुछ नहीं है। नो यार, आप ही का ड्रेस है, आप ही का ड्रेस है पर्पल कलर का, तो मैं तो पर्पल कलर में ले आऊँगा। कोई यार घंटा डेढ़ ढूंढने के बाद हमें मिली हुई है मेहंदी और चूड़ियाँ। अभी ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ तो आप ही को दूंगा ना चीज़ें, तो साथ साथ मैं दिखाऊंगा साथ साथ क्योंकि हमने लिया क्या यहाँ पर। तो अभी फिर से रश क्रॉस करना है यार इधर से। अगर हम लोग ज़्यादा निकलेंगे ना, सीधा ही निकल जाएंगे, तो ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। ये निकलेगा बस सीम वालों के पास जाके निकलना है रास्ता। तो अभी बस हम लोग निकलते हैं वहाँ से। नहीं जाओ यार, रश नहीं जाने मजा यार, मज़ा नहीं चाहना था, इतनी जाए होगी हमारी। तो सीरियसली मैं आज इतना कंफ्यूज रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं इतने रश में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। नहीं इधर चलते हैं ना, लेट्स गो। इस मार्केट में रश कम है। कभी सारी सीधी ऐसे बेकरी तक होना जो हमें ले जाए सीधी सीधी। कौन सी? वो पीछे है, वो बेकरी की बहुत बैक साइड पे निकल, वो हमारे स्कूल की बैक साइड पे निकल गया रोड।
मेरे बाप की तोबा तोबा हुई नहीं हाशिम जिंदगी में कभी नहीं जाना इतने रश में वो छोड़ो जो वन स्मेल आ रही थी भाई एक चक्कर लगा के बाजार का सोऊंगा चार पांच घंटे सोऊंगा दोस्तों को मिलूंगा फिर उसके बाद में आऊंगा तकरीबन दो तीन घंटे करने के लिए चला जाऊँ तो कहीं तुम रेस्ट करके आ दोबारा आ जाऊंगा ठीक है मैं यकीन करो एक बार जगह गाइस मैं बहुत लेट हो चुका से पहले कि मैं एक बार दिन लुटा जाऊं अल्लाह ना करे ओके ठीक है बाय अल्लाह हाफिज़ क्योंकि मुझे एंड टाइम पे याद आ कि मामा के गजरे तो आएंगे बाकी सारा कुछ ले लिया था और अभी हम लोग लेने लगे मैं मामा के लिए गजरे ले रहा हूं सीरियसली मैं जाते जाते मुझे याद आया कि ये वाला प्यारा लग गया मुझे ये वाले दो ले लो एक ये मैंने ले लेते दोनों सेम लो ना एक एक नहीं ना दोनों सेम लो ये गुड्डा है और ये वाइट पता नहीं क्या है हाशिम में बस इतना टाइम नहीं है एक बार जी यार मैं गांव का रिश्ता तो खान सकता हाँ ये ठीक है डन करो कितने का ये मुझे ये 200 का है 200 का दो कि एक दोनों 200 हाँ ठीक है चल इसके अंदर ना यार ये शॉपर में डाल दूँगा बांध देनी है क्या ऐसे देने बांध दे तुम मामा को बांध देना ना ओके यार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बांधते तो मैं फाइनली आ चुका था गाड़ जी में जिसका डर था शुक्र है वो नहीं हुआ मामा लोग अभी उठे हुए सर कोई नहीं सोया अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले चांदात मुबारक सबको मामा आपको अपने आपको फातिमा चांदात मुबारक मुझे कहा फातिमा भी गई हुई है मैंने जैसे आपको पहले बुलाया था फातिमा गई अपने मामा के साथ लोग घूमने फिरने से मुझे ये था कि अभी नहीं आई होगी तो मेरे आते हुए लोग आ गए हैं तो सलाम बच्चे सारे सो गए हैं सारे सो गए मैं भी सो गई थी तो मैं तो लोग लेके आ चीज़ें फर्स्ट टाइम इतना रश है बाजार में मामा से मतलब पाँव रखने की जगह एक बजे भी बाजार में पाँव रखने की जगह नहीं है और सारे कहते हैं वो कि बुसा शहर है उधर लोग इतना रश है वहाँ पे पहले आप ही को देखो नहीं भी तो मैंने तुम लोग साथ खाया कोई हाल नहीं भाई ने मना किया सब लोग बाजार ना जाना तो गोकी वाले बाजार में तो इतना रश है पहले आप मेरे मुझे चाय देंगी ला के अच्छी सी अच्छा फिर उसके बाद ये क्या बात तो भाई मैं मामा के लिए लेके आया हूँ गजरे पता नहीं अब पसंद आते कि नहीं मैं तो यार नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं चलो दोनों छोटे बांध के ना पी मुझे भी रुला देना कैमरा मैन भी रो पड़ा तुम क्यों रो रही हो उसी का मौका रोक नहीं है और अब आप ही की बारी यार मैं तुम्हारी चूड़ियां मैं पूरा बाजार से तुम्हारी चूड़ियों के लिए मैं घुमाऊं कि तुम्हारे सूट के साथ भी मैच हो जाए होगी मैं तकरीबन हो ही गई है देख लो अब अच्छा ये मेहंदी भी है अब मैंने बोला पता नहीं किसका कलर ज्यादा अच्छा होगा मैं दोनों ले आया अब देख लो जिसका कलर अच्छा होगा चूड़ियां मैं गोल्डन और ग्रीन ले आया हूँ कम्बो में मतलब तुम्हारे सूट पे वर्क था ना गोल्डन और ग्रीन का मैंने बोला तो ऐसे पहन लेना अरे थोड़ी क्यों लग रही है मैंने बोला था कि दोनों हाथों की दर्जन दर्जन दे दे हैं दर्जन दर्जन होती है ये आप ही के लिए और ये आप ही की चॉकलेट्स ये आप ही के लिए पसंद आई है बहुत पसंद आई थैंक यू चलो अब ये पहन लो ना और ये चॉकलेट्स खा लो मैंने भी पहननी है
मैं भी ना हूँ यार, अभी ना मैं फिर सुबह पहना सूट के साथ पहन ला ना। ठीक है ठीक है। ओह सॉरी गिरा फिर आप। ये तो आई मेहंदियाँ यार आप फाते चौक देता हूँ ना, तंग कर रहा था बोला मुझे पक्का पता था आप ही ने खाली चूड़ी देखी, आप ही ने खुश नहीं होना है। तंग कर रहा था आप ही को यार, ये भी तुम्हारी चूड़ी भी तुम्हारी कचरा भी है। मुझे पता था आप ही ने ना खुश नहीं होना है खाली चूड़ियों से। चलो टूट रहा है, टूट रहा देख के ऐसे खुश रहो यार। मैं लेट हो गया तो मैंने और भी अभी कुछ चीज़ें लेनी थी कि मैं बहुत लेट हो गया आज। खुश हो दोनों? खुश हो? बहुत खुश, बहुत सही हो गया। अभी तुम सुबह पहन लो। ओह मुझे गिरन से सही लगी सॉरी। तो भाई बात ना मुझे सीरियस नहीं था पता तुम आ गई हुई हो, और ये मेरी तरफ से चांद रात मुबारक हो। अच्छा तुम खुद मेहनत लगा रही हो तो इलम को भी गा लेना था। ओह ये भी है, चलो कोई नहीं बस सारे ऐसे खुश रहे और क्या चाहिए यार हमें। आंटी आंटी सोई हुई है क्या? आंटी से आ चुका हूँ गाल गिफ्ट्स वगैरह मामा लोग को दे दिए हैं। और ये क्या है? ईद कम ट्रू। अच्छा मैं भी सोचू इसमें क्या है। आज आई हुई हैं आंटी, आई हुई हैं जो हमारी मैंने मेरी एयरपोर्ट देखी थी वाली आंटी हमारी अमेरिका से आई हैं, तो वो लेके आई हैं केक। ओह केक तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन आधा खा चुका हुआ है, मुझे अभी मिला है। तो मैं अभी चाय लेता हूँ साथ, चाय करता हूँ गर्म, खाता हूँ केक, थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और ब्लॉग की एंडिंग भी मैं ये भी करूँगा। और मिलते गाइस आपसे अगले ब्लॉग में। और कल का ब्लॉग यार आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकता था लेकिन मैं इसलिए इतना इंटरेस्टिंग बना पाया क्योंकि मेरी जो जॉब की छुट्टी मुझे मिली है ना तकरीबन पूरे 12 बजे मुझे छुट्टी मिली है, रात के 12 बजे सुबह के नहीं रात के 12 बजे, तो मैं ब्लॉग को इतना टाइम नहीं दे पाया लेकिन इंशाल्लाह कल का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ऐसे करेंगे आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर ईद ब्लॉग्स, ईद 1, ईद 2, ईद 3 एंड ईद आउटफिट्स। यार सो एक्साइटिंग, बहुत मजे के ब्लॉग होने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, घंटी भी बजानी है। अल्लाह हाफिज़।